अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक और मेरे साथ है मेरी टीम खुशी और एनी। गाइस वेलकम टू आवर न्यू चैनल ट्रैवल होलिक सिप्स। और गाइस ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और इसमें हम आपको पेशावर पाकिस्तान सैर करवाने वाले हैं। आपको हम पूरा पेशावर इसमें दिखाएंगे, पेशावर की हिस्टोरिक साइट्स, पेशावर में क्या चीज़ें फेमस हैं खाने लायक, पेशावर की ट्रेडिशन, पेशावर का कल्चर। लेकिन अभी तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 10:22 पे, फिर हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता लेने के, और देखते हैं कि हमें आज नाश्ते में क्या मिलता है। तो आइए चले हमारे साथ। ये हम आपको दिखा रहे हैं पेशावर का खैबर बाजार। वो बोलते हैं ना कि ये है जी मतलब एक कदीम पेशावर, बेसिक पेशावर। और यहाँ पर आपको मतलब ये जो बाजार शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो देखें वेबसाइट पर आप देखें, ये देखें सब यहाँ पर देखें, सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं यहाँ पर। मतलब आपको ए टू जेड हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी आप लेना चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी इजीली। दरवाजे में इंटर हो रहे हैं, ये है किसफानी गेट। तो किसफानी बेसिकली इसे इसलिए कहा जाता है कि इसकी दरों दीवारों में बहुत से किस्से समाये हुए हैं। मतलब पार्टीशन से पहले जो यहाँ पर हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, घर वगैरह थे, उनकी शॉप्स वगैरह थी। तो आज भी जो यहाँ के फन तामीर है उसमें आपको नुमाया नज़र आएगा। इसका यहाँ का जो फन तामीर है वो उस बात की अक्कासी करते हैं। तो ये देखें, पहले तो चूँकि हमारे मुल्क की हालात बहुत ख़राब थे तो यहाँ पर आना इतना मतलब आते हुए इंसान को खौफ महसूस होता था, लेकिन हमारी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को, हमारी पुलिस को, हमारी खुफिया इदारों को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन्होंने यहाँ पर अमन कायम किया, उनके मतलब क्या मैं अब उनकी तारीफ करूँ, क्योंकि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब देखिए एक कदीम विरासत है पेशावर का, क्योंकि यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं चाहे मतलब पाकिस्तान के अंदर से हों या फॉरेनर्स हों, तो वो ये इस बाजार, इस किसफानी बाजार ज़रूर वो आके विजिट करते हैं और इसे देखते हैं। तो आप इनके ये घर देखें आप इनके कदीम, बिल्कुल कदीम पेशावर जो मतलब पार्टीशन से पहले का था। आई डोंट नो ये कितने सदियों पुराने घर हैं, कब के हैं, लेकिन ये बहुत पुराने घर हैं। यहाँ पर आपको देखें गारमेंट्स मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ अंदर फिर मोबाइलों की मार्केट है, यहाँ अंदर एक बाजार है उसे चित्राली बाजार बोलते हैं। तो वहाँ पर ये चित्राली कैप्स मिलती हैं, शॉल्स वगैरह मिलती हैं जेंट्स की, और बाकी जो आइटम्स होते हैं वो सब मिलते हैं। देखें मैं साइड पे देखें, लोग मसरूफ हैं खरीदारी में। और यहाँ पर देखें मतलब क्रॉकरी मिल रही है, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी और अच्छे मतलब कहते हैं ना कि सस्ते दाम आपको यहाँ चीज़ मिल जाएगी, चीप प्राइजेस। और ये है नाज़रीन ये तारीखी यादगार जामे मस्जिद, मस्जिद कासिम अली ख़ान की मस्जिद, जामे मस्जिद है कासिम अली ख़ान है। तो यहाँ पर जब भी हो, हमारे यहाँ ये पेशावर का ट्रेंड है कि हमारे यहाँ पर ईद और रोज़ा बाकी कंट्री से पहले हो जाते हैं। तो पता नहीं अब उनको चांद नज़र नहीं आता या हमको चांद पहले नज़र आ जाता है, तो क्यों खुशी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको बेसिकली हम पुख्तनों फेवरेट मस्जिद कह सकते हैं, कासिम अली शाह को, कासिम अली खान। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ खुशी खान फ्रॉम टीम ट्रैवल होलिक सिप्स। तो पेशावर देखा तो वैसे सब नहीं है, जहाँ पेशावर के अंदर रहने वाले या बाहर रहने वाले, अंदर रहने वाले तो डेफिनेटली घूमते हैं, बाहर रहने वालों ने
फॉर श्योर वीडियोज में या टीवी में देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम आपको अपने अंदाज से थोड़ा बहुत जितना हम दिखा सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। पेशावर बेसिकली शहर ऐसा है जहाँ दो किस्म की अक्सरियत पाई जाती है लोगों में, स्पेशली पठान और दूसरे पिशोरी। पिशोरी वो जो बोलते हैं हिंको लैंग्वेज। सो जो सिटी एरिया है, शहर जो हम आपको आज आपको विजिट करवा रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं पिशोरी जो बोलते हैं हिंको हैं। यहाँ जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो आपको ज़्यादा पठान नज़र आएंगे, लेकिन रिहायशी यहाँ के जो है ना हिंको स्पीकर हैं। और मतलब अब तो पठान भी हैं यहाँ, लेकिन ज़्यादातर ये एरिया मशहूर है हिंको स्पीकिंग पर। आई एम राइट, इफ आई एम नॉट, आई एम रॉन्ग, जस्ट मेक मी करेक्ट। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात बोली है। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से जी बॉलीवुड के जो कहते हैं ना कि दिग्गज कलाकार शाहरुख खान साहब हैं, ठीक है, और दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, प्राण साहब, ठीक है, तो वो सब इसी सिटी से वो बिलोंग करते हैं और इसी जगह से हैं, उनकी रिहाइश इसी जगह से है। तो उनके भी हम आपको घर दिखाने की कोशिश करेंगे इतने इस पेशावर सिटी टूर ब्लॉग में। मैंने ये उनके रिहायशगाह, उनके जो घर थे अबाओ अजदाद के, जो उनके फोर फादर्स के घर थे, वो भी मैंने दिखाए थे। स्पेशली जो मेरे दोस्त मुझे इंडिया से देख रहे हैं, तो उनको मैंने दिखाना चाह रहा था कि आपके जो मतलब वो हमारे भी हमारी फेवरेट वो एक्टर्स हैं या हमारे फेवरेट हीरोज हैं, गब्बर सिंह, कितने आदमी थे रे, तो वो भी यहाँ पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये सब यहाँ पेशावर के हैं, तो वो भी अब हम आपको साथ दिखाते हैं कि वहाँ की क्या, वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी कैसी चल रही है। देखते हैं मेरे, अब आपको टर्न कर गया है तो मेरे राइट साइड पर आ गया है किले वाले साहब, एक खूबसूरत किला। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोरगठड़ी, और वो रही, मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क की है क्योंकि आई डोंट नो अंदर कार ले जाने की परमिशन होगी या नहीं। लेकिन फुकत फने तामीर देखें, पुराने वक्त में कितने बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। और यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह कुछ ये भी है कि यहाँ पर एक टेंपल है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि गोरखनाथ का मंदिर जो है वो है ये है वो गोरखनाथ का मंदिर। ये मस्जिद, मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है ये। और ये है इमाम अबू हनीफिया मस्जिद, ठीक है।
ये देखें खूबसूरत फन तामीर। एक्चुअली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है के बी के हुकूमत, तो वो अब इस जो ये हिस्टोरिक साइट्स हैं, जितनी भी पेशावर की हिस्टोरिक साइट्स हैं, वो इन सब को मतलब कह लें कि रिस्टोर कर रहे हैं उनको। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सामने देखें आपको मंदिर भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम मेन तहसील बाज़ार की फूड स्ट्रीट जो एक हेरिटेज ट्रेल है उसकी तरफ हम इधर होने लगे हैं। तो हमने सोचा हम आपको एक ही भी मतलब एक पेशावर का एक खूबसूरत मंजर हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये बेसिकली आगे चलकर मतलब ये एक फूड स्ट्रीट है। तो खैर ये हमारे दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम आपको पता है कि इतनी मतलब रौनक नहीं होती, और शाम को एक हसीन देखें, एक फन तमीर देखें घरों के, आप देखें नक्शो निगार इनके देखें। तो ये एक है आप देखें अंधून पेशावर है ना, देखें अब इसकी अपनी खूबसूरती है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर लेनी चाहिए ताकि मैं आप लोगों को एक अच्छे से ठीक से दिखा सकूँ। देखें घरों का आप, लेकिन इस जगह को अब खूबसूरत बनाने में काफ़ी हाथ पीटीआई हुकूमत का भी है, मैं उनको इस क्रेडिट दूंगी क्योंकि पहले यहाँ इतनी मेंटेनेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ काफ़ी काम किया, उनको थोड़ा सा रेनोवेट करके थोड़ा सा ओल्ड एंड न्यू लुक में चेंज किया। इस जगह को काफ़ी पाए हुए पिशोरियों के गढ़ में, यहाँ सारे रहते हैं हमारे कहते ना इंको स्पीकिंग लोग, साढ़े पिशोरी कर रहे सारे ये उन्होंने गढ़ नो डाउट दर तुख्तानम शता को ज़्यादातर लोग यहाँ हिंको स्पीकिंग है, आपको उनकी तादाद ज़्यादा मिलेगी यहाँ जो काम करने वाले हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं।